प्लीज यार, चाहो तो कान पकड़ के उठक बैठक करवा लो, लेकिन ऐसे खफा मत हो यार। कल की डेट का मुझे भी अफसोस है, आई एम रियली सॉरी। देखना अगली बार मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाऊंगा। नहीं श्रवण, तुम नहीं जाओगी मेरे साथ? प्लीज तारा मुझे माफ कर दो यार। मुझे इस बात का गुस्सा नहीं है कि तुमने मुझसे सॉरी नहीं कहा, लेकिन लेकिन क्या, हमारे बीच में इतना सब कुछ होने के बाद तुम साची के साथ ऐसे? साची इज जस्ट अ फ्रेंड तारा। तो ठीक है, तुम्हारी चॉइस है, चुन लो, मेरा प्यार या साची की दोस्ती। क्या? हाँ श्रवण, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर तुम्हें लगता है कि मैं जेलस हूं तो हूं। मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, चाहे वो कोई साची हो या कोई चाची। लेकिन तारा साची मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसे यूं ही छोड़ नहीं सकता। और वैसे भी अब तो एक हफ्ते, इनफैक्ट एक हफ्ता भी नहीं, कुछ ही दिनों की बात है। तारा मैं साची से दूर रह सकता हूँ लेकिन उसे छोड़ नहीं सकता। तो ठीक है, मत छोड़ो उसे, मुझे छोड़ दो। अच्छा ठीक है तारा, तुम कहती हो तो मैं साची के साथ कुछ हंसूंगा खेलूंगा नहीं, लेकिन अब बस कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर मैं उसे पैसे दे दूंगा और डिवोर्स हो जाएगा। दैट्स इट, प्लीज मान जाओ, मैं ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। ठीक है, पर ये मेरा लास्ट एडजस्टमेंट है, आखिरी कॉम्प्रोमाइज नहीं, बलि, मैं बलि दे रही हूँ, अपने मन की बलि। तुम बहुत सुंदर हो तारा, आई लव यू। सच तो कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अभी? हाँ क्यों? कश्मीरा ने मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया था, साची के साथ। हाँ नहीं, मतलब उसने तो मुझे इनवाइट किया था ना, तो मैं श्रवण, तो मेरे साथ जाओगे, साची के साथ नहीं। गुड बॉय। वैसे भी आई लव दीस फिल्मी कॉन्फ्रेंसेस, वहाँ पे कैमराज होंगे, टीवी वाले होंगे, न्यूज वाले होंगे, मैं न्यूज पे दिखूंगी, आई जस्ट लव इट। एंड आई लव माय मुसीबतें। साची से क्या कहूंगा यार। कश्मीरा जी का पहले मंत्र का जादू अभी खत्म थोड़ी ना हुआ है, बस एक बार श्रवण मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले तो मैं उन्हें इतना खुश कर दूंगी कि वो तारा को पक्का पक्का बुला देंगे। नहीं मैं तो वो नहीं, मैं वो छोड़ो, जल्दी से रेडी हो जाओ, कश्मीरा जी की कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली होगी ना, तो पहले बताओ पहनोगे क्या? नहीं नहीं मैं पहले शाल लूं। साची मुझे तो अभी टाइम लगेगा, तो तुम पहले जाओ ना, हम में से एक जन तो प्रेजेंट हो ना, नहीं तो कश्मीरा को बुरा लगेगा। ठीक कह रहे हैं, ठीक है मैं पहले चले जाती हूँ। तारा जी अभी गुस्सा है क्या? नहीं नहीं मना लिया मैंने उसे, कूल है सब। वेरी नाइस, बाय, जल्दी आना। नमस्ते, श्रवण एंड साची जायसवाल। अरे वाह, कोई बड़ा खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू। कहाँ है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड? वो उन्होंने बोला कि कॉन्फ्रेंस के बाद कहीं घूमने जाएंगे, तो अच्छे कपड़े पहनकर आ रहे हैं। गुड गुड।
बड़ी अच्छी बात है। हेलो माइक टेस्ट 1 2 3 लगता शुरू हो रहा है। हाँ जी आ जाओ। थैंक यू। बैठो मैं अभी आती हूँ। आईडी। सॉरी मैम बिना आईडी के आप जा नहीं सकते प्लीज। मैं श्रवण जसवाल के साथ हूँ। श्रवण जसवाल? सॉरी ये श्रवण जी की पार्टी नहीं है, ये मैडम कश्मीरा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी है। प्लीज आप जाइए। स्टॉप इट। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? कौन है आप? तारा। सॉरी मैडम आप किसी गेस्ट के साथ है क्योंकि यहाँ तारा नाम मेंशन नहीं है। Just can't take this insult. मैं जा रही हूँ। तारा। श्रवण मैं तुम्हारे साथ नहीं चलने वाली। I'm sorry यार मुझे तैयार होने में थोड़ी देर हो गई। चलो ना तुम्हें अंदर चले जाना चाहिए था। किसके साथ? तुम्हें पता है उस सिक्योरिटी गार्ड ने मेरी कितनी इंसल्ट की। चलो मैं देखता हूँ। थैंक यू सो मच। अब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। प्यार या दोस्ती एक नई लव स्टोरी की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि हमारी फिल्म का टाइटल है प्यार या दोस्ती एक नई लव स्टोरी, हमारे टाइटल की तरह ही हमारी फिल्म की कहानी है। श्रवण हमें कश्मीरा ने इनवाइट किया। सॉरी सर इसमें आपका नाम नहीं है। आप किसी के साथ गेस्ट है या किसी के साथ आए? मैं किसके साथ हूँगा? मैं इनके साथ हूँ। आप कश्मीरा से पूछिए ना जाइए। सॉरी सर ये हम नहीं कर सकते। क्या मतलब? ठीक से देखो ना यार नाम होगा श्रवण। यहाँ पर श्रवण और साची लिखा है। तो वो मैं ही हूँ ना। सॉरी सर आप श्रवण हैं लेकिन ये तो साची नहीं ना। बस श्रवण मैं और बर्दाश्त नहीं करने वाली। तुम जाओ एंजॉय करो अपने साथी के साथ। अरे तारा रुको ना। साची जी इनसे कहो ना कि तारा भी हमारे साथ जाएगी। जी आप प्लीज इन्हें आने दीजिए। जाइए। थैंक्स। अब मैं कश्मीरा जी से दरखास्त करता हूं कि वो दो शब्द कहें।
अगर आप सभी को इनसे कुछ सवाल करने हैं तो आप लोग कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस फिल्म में हूँ। मेरे हिसाब से हर नौजवान को और उसके माता पिता को ये फिल्म देखनी चाहिए। कश्मीरा जी, अपनी इस फिल्म की खासियत के बारे में कुछ बताइए ना हमको। इस फिल्म में हमने दोस्ती पे बहुत ध्यान दिया है, वही दोस्ती जो दो प्यार करने वालों के बीच में होनी चाहिए, वही दोस्ती जो हर रिश्ता बनाती है, वही दोस्ती जो एक पति और पत्नी के बीच होनी जरूरी है, और अगर शादी के बाद भी हो जाए तो वो अपने रिश्ते को और भी तगड़ा बनाती है। इनफैक्ट इसी के बारे में बात करने के लिए मैं अपने दो नए दोस्त श्रवण और साची को इनवाइट करना चाहती हूँ। साची, श्रवण, प्लीज कम अप। कम ना, शर्माओ नहीं। साची, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड श्रवण क्यों नहीं है? श्रवण, आइए ना आप। जब तक बेस्ट फ्रेंड साथ नहीं, बात नहीं। साची, हम सबको बताओ तुम्हारे लिए दोस्ती का क्या मतलब है? प्यार पहले हो या दोस्ती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने हस्बैंड की बेस्ट फ्रेंड हूं, मेरे लिए यही बहुत है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। है बस इतना ही जानती हूँ कि प्यार और दोस्ती में थैंक्स और सॉरी नाम की कोई चीज नहीं होती है। अरे वो लड़की कौन थी? दादी, कश्मीरा शाह, वो फिल्मों में नहीं आती वैम बन के? नहीं नहीं, वो चूहिया जैसी जिसकी दो बड़ी बड़ी आंखें, देख तो सही, देख ना ये वैसे ही थी जैसे तारा है। दादी आप भी ना, आपको वहम हो गया, तारा वहाँ क्या करेगी? दादी आप भी ना, आपको हर जगह तारा दिखाई देती है। जब कैमरा वापस आएगा ना, जरा ध्यान से देखना। देखा दादी, कोई तारा वाला नहीं है, आपको भी ना बस हर जगह वो ही दिख रही है। वेरी वेल सेड साची। लेडीज एंड जेंटलमैन,
मैं ये समझती हूँ कि मेरी ये फिल्म प्यार या दोस्ती देखने के बाद अगर लोगों की लाइफ बेहतर हो जाती है, रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हो जाते हैं, तो मेरे लिए ये फिल्म सक्सेसफुल है। श्रवण भी ना, वो तारा की बच्ची वहां क्या कर रही थी? क्या श्रवण ने उसे बुला लिया था कि वो खुद चली गई? पता नहीं। और साची, उसने भी मुझे नहीं बताया। पता नहीं वो साची पर क्या बीतरी होगी। दादी को तो मैंने किसी तरह से मना लिया, ये दिखाकर कि वो तारा नहीं थी। पता नहीं दादी मान गई होगी या नहीं। श्रवण क्यों कर रहा है ये सब कुछ? तू किस लिए? इसने अपना फोन स्विच ऑफ क्यों रखा हुआ है? श्रवण भी ना, सौरभ आप आ गए? हाउ वाज योर डे? क्या चल रहा है निधि? साची और श्रवण के बीच में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। तुम उन्हीं को फोन कर रही थी ना अभी? निधि, तुम्हारी हंसी के पीछे तुम्हारा स्ट्रेस नहीं छुपेगा। मैं तुम्हारे स्ट्रेस को देख सकता हूं और डॉक्टर ने तुम्हें सख्त मना किया है कि स्ट्रेस नहीं लो। फिर क्यों? नहीं सौरभ, ऐसी निधि, निधि मां, दादी, निधि, गॉड, साची, कहा था ना मैंने श्रवण एक ही दिन में नहीं बदलने वाला। अब बताओ, अब तुम रेडी हो मेरा फॉर्मूला नंबर 2 अपनाने के लिए, मंत्र फूंकने? जी, अब आप जैसा कहेंगे कश्मीरा जी, मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। आपका दूसरा मंत्र मैं जरूर फॉलो करूंगी। अब से मैं श्रवण जी की किसी भी बात पे रिएक्ट नहीं करूंगी। जैसा आपने कहा है, मैं श्रवण जी को पूरी तरह से इग्नोर करूंगी। गुड गर्ल। साची, तारा कहीं मिल नहीं रही यार, वो यहाँ पे कहीं है नहीं। तुम प्लीज मेरी मदद करो ना उसे ढूंढने में, मुझे उससे मिलना है। ओफो श्रवण, तुम खुद जाके ढूंढ लो ना उन्हें। वैसे भी कश्मीरा जी आज मुझे किसी से मिलवाने वाली है, तो मैं उनके साथ जा रही हूँ। ओह हेलो, तारा तुम्हारी वजह से यहाँ से गई है। अभी तो बड़ा भाषण दे रही थी तुम दोस्ती पे, किसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रही थी? एक्सक्यूज मी, मेरी वजह से आप अलग हुए, इसलिए बोल रही हूँ कि जाके खुद ढूंढ लीजिए तारा को। वैसे भी उन्हें ना अपने आप पर विश्वास है और ना आप पर। अब देख क्या रहे हैं, जल्दी जाइए कहीं गुस्से में कुछ कर ना ले, वरना आपकी जिंदगी अधूरी रह जाएगी।